हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिसिन गुरु। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मोंटेयर एलसी टैबलेट का। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टैबलेट के क्या यूज हैं, क्या बेनिफिट हैं, इसके क्या डोज, क्या साइड इफ़ेक्ट और क्या प्रिकॉशन है। दोस्तों, किन मरीजों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी एक एक करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले, आपने मेरे इस चैनल मेडिसिन गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मोंटेयर एलसी टैबलेट की हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों, ये 15 टैबलेट का स्ट्रिप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे 305 रुपए में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों, अब हम आते हैं इसके कंपोजिशन की तरफ। तो दोस्तों, इसमें मोंटिलाकास्ट सोडियम और लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड है। अब दोस्तों, ये सिप्ला फार्मा द्वारा बनाया गया है, जो कि बहुत अच्छा कंपनी है। अब हम आते हैं इसके यूज़ की तरफ। किन समस्या में दोस्तों इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, मोंटेयर एलसी 2 की एक कॉम्बिनेशन दवाई है, जिसका इस्तेमाल एलर्जी के लक्षणों में किया जाता है। जैसे कि आपका नाक बहना हो, काफ़ी लंबे समय से आपका नाक बहता हो, या फिर दोस्तों आपको छींक आना, खुजली होना, आपके बॉडी पे कहीं भी खुजली हो, और दोस्तों या फिर आपका नाक बंद हो जाना, नाक बंद हो जाता है, या फिर आपको दोस्तों सूजन आना, कहीं भी बॉडी में आपको सूजन आता हो, आँखों से पानी आना, और दोस्तों सांस लेने में समस्या होना, इन सभी समस्याओं में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, अब हम आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। दोस्तों, इस टैबलेट के लेने के बाद आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपके सिर में दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, मतली होना, मुंह सूखना, नींद आना और उल्टी होना। दोस्तों, इनमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको होते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और दोस्तों, इस टैबलेट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके डोज हैं। तो दोस्तों, इस टैबलेट का इस्तेमाल दिन में एक बार करना चाहिए खाना खाने के बाद। और दोस्तों, इस टैबलेट के क्या प्रिकॉशन हैं, किन लोगों को यह टैबलेट नहीं यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, जो महिला गर्भवती है, इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसे लीवर की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो। और दोस्तों, 12 साल से कम उम्र के बच्चे इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल मेडिसिन गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और दोस्तों, अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।